जोधपुर के कुड़ी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 10 में फ्लैट में बाहर राज्यों से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाने को लेकर यहां के स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करने वाली महिलाओं और पुरुषों को कुड़ी थाना सब इंस्पेक्टर विश्राम ने समझाइश कर उनको घरों में रहने के लिए निवेदन किया। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने भी पब्लिक को समझा बुझा कि घर से बाहर नहीं निकलने और लॉकडाउन की पालना नहीं किया तो राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि यहां बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर प्रस्तावित है। अभी हम हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट जो बंद पड़े हैं उनकी मरम्मत करवा के सरकार को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर आम जनता में डर है। इसको लेकर यहां लाए जाने वाले लोगों में से कोई कोरोना मरीज पाया गया तो पूरे आवासीय परिसर में कोरोना नहीं फैल जाए, इसलिए हम यहाँ क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनने देना चाहते। कैसे मरेंगे ये यहाँ ला के रख रहे हैं इन लोगों को? हमें सुनो, बंद कर, आप अपने घर जाओ, बंद कर। पूछ तो लेवल ही करो, अरे पूछ तो लेवल ही। 40 दिन रोड है, कोई कौन दी पानी, कोई कौन पिलाए मनन 40 दिन। कर्मचारी हो गए की समझ ले, तो यहाँ से बड़ा बोलो नहीं, शर्म नहीं आने को नहीं है। गवर्नमेंट व्यवस्था करेगी तुम्हारे घर, फिर कह रही हूँ आपके घर जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, फोटोग्राफी मुकदमा दर्ज कर लो। ये कौन सा बात है, ऐसे नहीं करोगे, आपको कह रहे हैं। आप नेता हो क्या इनके? नेता कोई नहीं है। आप नेता हो? नहीं बड़ा हूँ, चले जाओ, रवाना हो जाओ। उसकी व्यवस्था कर रही है गवर्नमेंट, आपको बेकार है, झंडा खड़ा होना है तो गोली लगा तो मर भी जाए, हम लोग खड़े हैं गोली मार दीजिए मर जाएंगे, पर पुराना लेके मर जाएंगे। ये किन का है आप फ्लैट रह रहे हो? ये किन का है? दूसरे का है, मैं नहीं कहीं का है, मैं नहीं कहीं का है, ये किन का है? हाँ सर, ये सेक्टर 10 में क्वारंटाइन सेंटर बनाने की तैयारी चल रही थी, तो दूसरी तरफ रहने वाले लोग कुछ आए थे, उन्होंने कहा कि भैया लोग ना नहीं, यहाँ पे नहीं बनाना है, तब उनको समझाइश किया गया और यहाँ से रवाना कर दिया। कहाँ कहाँ से आएंगे ये सर लोग? कुछ ये क्वारंटाइन सेंटर में जो बाहर से आएंगे, जो भी है वो प्रशासन जो निर्धारित करेगा वो लोग आएंगे। हाँ, मैं कहने चाह रही हूँ, यहाँ पर मैं जहाँ पर हाउसिंग बोर्ड कुड़ी 10 सेक्टर में मैं हम लोग सब रहते हूँ, पतिवेशी लोग, बहुत दिनों से रहती हूँ हम लोग। हाँ, और ये ठीक, हम लोग से 100 मीटर का दूरी में कोरोना पेशेंट को रखने का व्यवस्था हो रही है, जो फ्लैट खाली पड़ी हुई है उसमें। तो हम लोग सोच रही हूँ कोरोना पॉजिटिव लेके आएगा तो भाई हम लोग भी उसी असर में चपेट में आ जाऊंगी, जिसके वजह से पूरा कोलोना वासी यहाँ पर अगल बगल सब आस पड़ोस का सर आदमी औरत सब मिल के विरोध जताए। तो उसके बाद यहाँ पर प्रशासन भी आके हाजिर हुए। पर एक बात और है, हाउसिंग बोर्ड का कुछ आदमी है, इसके लिए उठपटांग झगड़ा करने के लिए भी उतावल हो गए थे हम लोग का साथ। हम लोग विरोध जता रही थी, जो कोरोना पेशेंट आएंगे 100 मीटर का दूरी में रहेगा, हम लोग को ऊपर चपेट में हम लोग भी नहीं आएंगे, इसका कोई गारंटी वो लोग लेंगे नहीं और ना ही ले रहे हैं वो लोग। फिर प्रशासन बुला के फिर ये कर रहे हैं, सोच रहे थे लाठी चार्ज करवा के डरवा देंगे, मगर ये बात कहिए, पहले अपना जिंदगी बचाने के लिए अगर स्वस्थ परिवार अगर उसके लिए विरोध कर रहे थे, इसमें अन्याय क्या है? हम लोग तो चाहते हैं जो स्वस्थ रहे,
पेशेंट को लेके आ रही, यहाँ पर क्यों लेके आके रखेंगे, जिसके वजह से हम लोग विरोध जताए। फिर प्रशासन ने समझाया कि नहीं कोरोना पेशेंट नहीं लेके आएंगे, जो 14 दिन के लिए जो लोग ऑब्जेक्शन में रखते हैं उसी को लेके रखेंगे, 14 दिन बाद फिर उसको भेज देंगे। अब कहाँ कहाँ से लेके आएंगे, बाहर बाहर से, वो उन लोग को पता है पूरी बात, तो उसके बारे में बताया नहीं कि किस जगह से लेके आ रहे हैं। पर हम एक बात कहने चाहती हूँ जी, यहाँ पर जो भी उन लोग कहें कि जो हम लोग सावधानी बरतेंगे, सैनिटाइजर सब छिड़केंगे, ये करेंगे, सब कुछ कहें, पर हम इतना ही बात जानेंगे कहेंगे, अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आता है तो फिर विरोध हम लोग करेंगे। और ये चीज हम विश्रम जी को कह दी हूँ, ये थाना अधिकारी विश्रम जी को मैंने कह दी हूँ, कुड़ी थाना अधिकारी विश्रम जी को कह दी हूँ। उन्होंने बताया, ये जताया कि नहीं यहाँ पर कोई कोरोना पेशेंट नहीं आएंगे, इसके लिए हमने ठीक है, इसके लिए उनका बात सुन के हम लोग शांत हो गए हैं। पर अगर कोरोना पेशेंट आते हैं तो फिर से भी ये हो सकता है, फिर विरोध। आपका नमस्कार, मैं शर्मिष्ठा श्रीवास्तव।